हे गाइस, स्वागत है आपका टेकेवी चैनल पे। तो गाइस, इन्फिनिक्स का एक और डिवाइस आ रहा है, इन्फिनिक्स 035G। और हमेशा की तरह ऐसा हार्डवेयर लेके आ रहा है, कोई मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा। मैंने आपको पहले वीडियो से बता रखा है, ये जो फोन है ना, 20,000 से आपको कम का पड़ जाएगा। और आपको 20,000 से कम के फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, वो भी कर्व्ड वाली 144 Hz पे। भाई कोई फोन है ही नहीं मार्केट में जो 20,000 से कम में आपको 144 Hz की सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले दे। दोबारा डिसरप्ट कर देगा मार्केट में आके ये, और वो भी 360 टच सैम्पलिंग रेट के साथ। यदि आप गेम्स खेलते हो तो आराम से खेल पाओगे। गेम्स खेलने के हमको प्रोसेसर अच्छा चाहिए। इसमें डायमेंसिटी का 8020 का प्रोसेसर है, जो कि आपको N2 6 लाख के आसपास निकाल के दे देगा। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी बजट के हिसाब से। 20,000 से कम का ही फोन आ जाएगा, तो प्रोसेसर भी अच्छा है, टच सैम्पलिंग रेट भी अच्छी है। इसमें आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। जो ब्राइटनेस की बात करते हैं तो 950 nits तक ब्राइटनेस जाती है। धूप में लेके जाओगे तो फोन को आप यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा इन्फिनिक्स यही नहीं रुका, आपको इसमें जो कैमरा मिल रहा है, फ्रंट में आपको कैमरा मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का, उसके थ्रू आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा की बात हो रही है, रियर कैमरा से तो कर ही पाओगे 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में, लेकिन फ्रंट कैमरा भी आपको अच्छा मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का। बैटरी आपको 5000 mAh की मिल जाएगी, 45 वाट का आपको चार्जर मिल जाएगा। तो गाइज, इन्होंने इन्फिनिक्स ने 20,000 से कम के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी दे दिया, MediaTek Dimensity का बहुत अच्छा प्रोसेसर भी दे दिया, OIS वाला कैमरा भी दे दिया, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दे दिया, 4K 60 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग भी दे दी, 5000 mAh की बैटरी भी दे दी, 3.5 mm जैक भी आपको मिल जाएगा। और इस फोन में दो वेरियंट्स आएंगे। पहला जो वेरियंट होगा वो तो लेदर वाला होगा, यदि आपको वीगन लेदर पसंद है, ग्रीन कलर का मॉडल आएगा। जो दूसरा वेरियंट आएगा वो ग्लास का आएगा, तो यदि आपको ग्लास पसंद है तो ग्लास वाला वेरियंट ले लो, आपको वीगन लेदर पसंद हो वीगन लेदर ले लो। इसके अलावा आपको जो चार्जर है वो भी बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और जो इसमें जो वेरिएंट आएगा वो 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। भाई कोई भी चीज़ इन्फिनिक्स ने छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ें हार्डवेयर में बिल्कुल टॉप नॉच, और मार्केट में इसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हार्डवेयर लेवल पे मेरे हिसाब से ये बेस्ट फोन हो जाएगा प्राइस के हिसाब से। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात मत करना, आपको एक साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने वाले। सॉफ्टवेयर इनका वीक पॉइंट है, बट हार्डवेयर लेवल पे इन्होंने एकदम तबाही मचा दी है। और यदि आपको इन्फिनिक्स का डिवाइस चाहिए 035G, तो आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। 2nd of September से इसके प्री ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। अब आप खरीदोगे क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इस लेवल का हार्डवेयर कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, बट हार्डवेयर लेवल पे इसको कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ये डिवाइस आपको कैसा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कोई भी डाउट बिंदास तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।